पैसा कमाने के जुनून में ये परिवार किसी भी हद तक जा सकता है, ये तो हमको पता था, लेकिन इतना ज़्यादा गिर जाएगा, इतना ज़्यादा गिर जाएगा कि एक लड़की को पूरे सोशल मीडिया पर नंगा कर दिया, उसके बाद भी इनको सुकून नहीं है। इन भाईजान को अभी भी चैन नहीं है, अभी भी चाहते हैं। उस लड़की की ज़िंदगी तो छीन ही ली, जिंदगी तो छीन ही ली उस लड़की की, उसको तो कर दिया, बदनाम कर दी, सरेआम उसकी इज्जत नीलाम कर दी। वो जो सांसें ले रही है ना, चाहते हैं वो सांसें भी न ले। वो ज़िंदगी जी तो नहीं रही, उसकी ज़िंदगी तो उसी दिन ख़त्म हो गई थी जिस दिन ये YouTube पर इन्होंने जो गंदगी परोसी थी अपनी आसकी का, जो काला चिट्ठा यहाँ पर खोला था, उस दिन ही उस लड़की की उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी। बस वो जी रही है, उसकी सांसें चल रही हैं अपनी बेटी के लिए। बाकी और कोई होती तो अब तक पता नहीं क्या कुछ कर लेती, लेकिन वो मजबूर है अपनी बच्ची के लिए। लेकिन पता नहीं ये भाई साहब अभी भी क्या करना चाहते हैं, चाहते क्या हो आप? इतना कुछ करने के बाद भी अभी भी मन नहीं भरा, थोड़ा व्यूज फिर से डाउन होने लगा है, मिलियंस में फिर से व्यूज चाहिए, फिर से अपना और मतलब ये है, नाम हो भले ही बदनाम हो टॉप हो, यही है ना। उधर एक तुम दोनों के चक्कर में उधर एक इंसान बीच में पिस रहा है, वो हाथ जोड़ के गुहार लगा रहा है कि बंद कर दो ये सब, बंद कर दो। और इधर भाई साहब सुमित महल का वीडियो देख ही लिया होगा कि वो सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं बंद कर दो, प्लीज़ ख़त्म कर दो, नहीं बर्दाश्त हो रहा, नहीं देखा जा रहा, फैमिली परेशान हो रही, डिस्टर्ब हो रहे हैं, तबीयत ख़राब हो रही है, और ये क्या कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, मज़े आ रहे हैं इनको किसी की इज्जत उछाल कर। अभी भी भैया का कमेंट ही आता है कुछ बड़ा करने वाले, करने क्या वाले हैं, कर दो ना एक दिन जो दिन करना है ख़त्म कर दो। क्यों तिल तिल कर करके किसी को मार रहे हो आप लोग, क्यों? गलती आपकी नहीं थी क्या? अकेली उसकी गलती थी? आप दूध पीते बच्चे थे क्या? और सबसे बड़ी गलती है परिवार की, ये भैया जी का परिवार जो इनको सपोर्ट कर रहा है बैठ के। अच्छी बात है, अपने हैं सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन इस हद तक साथ मत दो। प्यार में इतने भी अंधे ना हो जाओ अपने बच्चे और अपने पति के में कि उनका कुछ अच्छा बुरा भला कुछ भी देखने की समझ ना हो। वो लड़की चुप बैठी है, बोल रही है जो भी इल्ज़ाम लगाए उसने सब कुछ खुशी दुखी दुखी जैसे भी सब कुछ मान लिया ना, उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा। चाहे तो वो भी जैसे ये भाई साहब वीडियो पे वीडियो छाप रहे हैं ना, वो लोग भी छाप सकते हैं, लेकिन नहीं बोला ना अभी तक, उन्होंने अपनी सफाई नहीं रखी ना, तो बंद कर दो आप। आपको लगता है हमारे साथ धोखा हुआ, चीटिंग हुआ, आपने उसकी सज़ा दे दी, उसको भरे सोशल मीडिया पर उसकी इज्जत नीलाम कर दी, बस इतनी सज़ा काफ़ी है? इससे ज़्यादा भी और कुछ करना है क्या? और कुछ बचा है क्या? उसने वो मेरे को बोला कि मेरे को भैया नहीं बनाना, मेरे को सैया बनाना, तो आपके मुंह में जबान नहीं थी क्या? आप उसी वक्त रोक देते, आप अपनी बीवी को आके बताते कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, आप उससे रिश्ता ख़त्म करते, नहीं बात करते, लेकिन आपको करना था क्योंकि आपको भी मज़े आ रहे थे और बहुत आसानी से सारी चीज़ें उसके ऊपर डाल दी। और ये ऑडियंस जो जनता है वो हमेशा औरत की ही गलती निकालती है। और सबसे बड़े सपोर्टर मनीषा, मनीषा के लिए मेरी सिंपत्ति हमेशा से थी और अभी भी है मनीषा के लिए, लेकिन फिर भी मनीषा सपोर्ट कर रही है, हर चीज़ में सपोर्ट कर रही है। इसलिए इस बंदे की हर हिम्मत देखो कितनी बढ़ती जा रही है, कितनी हिम्मत बढ़ती जा रही है। नहीं जी, रोकना ज़रूरी है, रोकना अब ज़रूरी है। सामने वाली कुछ बोल रही है क्या? कुछ बोल रही है क्या? उसने फंसाया, अरे उसके पास तो चलो पति नहीं था, वो तो विधवा औरत थी, उसके पास पति नहीं था, आपके पास तो बीवी थी, आपके पास तो दिमाग था ना, अकल था ना, फिर आपने क्यों किया? जिनके खुद के घर के शीशे के होते हैं ना, वो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारते, ये सुना होगा, लेकिन ये घर का एक एक सदस्य मार रहा है, एक एक सदस्य मार रहा है। कोई जूते दिखा रहा है, कोई चप्पल दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, कोई मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अरे यार, पहले अपने घर को संभालो, अपने घर की औलाद को संभालो, अपने घर के भाई बहनों को, उनको, अपने आप को, अपने पति को, पहले इन लोगों को संभालो ना, तब किसी को मुंह तोड़ जवाब देना। किस किस का मुंह बंद करोगे? जब आपने सोशल मीडिया पर चीज़ें लाई हैं तो लोग तो बोलेंगे ही, जो देखेंगे वो बोलेंगे, फिर आपको तकलीफ क्यों? किस बात की तकलीफ हो रही है आपको और क्यों हो रही है आपको? आपने जो किया आप किस किस का मुंह बंद कर लोगे?
उधर इंसान उन लोगों को तकलीफ हो रही है, उनके घर में बेटी आई है, वो खुशी इंजॉय नहीं कर पा रहे। आपको जो बोलना था आपने बोल दिया, जी भर की जितना बदनाम करना था कर लिया, जितना गुस्सा आग नफरत प्यार मोहब्बत जो भरा था सब निकाल दिया ना आपने, सब निकाल दिया। अब तो चुप हो जाओ यार, अब तो बस कर जाओ। उसके घर में कल उनका बेटी का कल आई है, वो गृह प्रवेश हुआ, पहली बार घर में कदम रखा है, वो सारी चीज़ों को सब कुछ हट के उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया कि बंद कर दो अब इन सारी चीज़ों को, हम अच्छे से अपने माँ पापा बने खुशी, वो यार थोड़ा सा जी लेने दो उनको भी। और उधर वो इंसान जिसका कोई इसमें योगदान ही नहीं था, सुमित हालत देखी कल, वो इंसान कैमरा फेस नहीं कर पा रहा था आप लोगों की वजह से, लेकिन ये बेशरम वीडियो पे वीडियो, ब्लॉग पे ब्लॉग, ब्लॉग पे ब्लॉग, क्या हुआ? व्यूज तो अच्छा मिल रहा है ना। अब क्या करने वाले हो ये बता दो आप हमको, आप चाहते क्या हो अभी भी? और क्यों बोल लोगों के बोलने से आपको दिक्कत हो रही है, क्यों हो रही है भाई? आपने कुछ अच्छा काम किया है क्या? कोई अवार्ड मिलने वाला काम तो किया नहीं है, गाली जूते खाने वाला ही काम किया है, गाली जूते, फिर भी ऑडियंस इतना सपोर्ट किया है, क्योंकि ज़्यादातर नेहा को गलत माना ना, इसलिए इनकी हिम्मत बढ़ गई है, इसलिए इनकी हिम्मत बढ़ गई है, क्योंकि इससे ज़्यादा जिस जनता ने जो गाली दी है वो नेहा को दी है, इससे इनका और हिम्मत बढ़ गई कि नहीं चलो अभी और, चलो अभी और, चलो अभी और, बस कर दो, बहुत हो गया, अब शोभा नहीं देता। जितना हमको जानना था जान चुके, अब हमको इससे कुछ जानना की इच्छा भी नहीं है। आप अपनी लाइफ जियो, आपकी बीवी ने तो माफ़ कर दिया ना फटाक से, आप तो बोल देते मनीषा ने मुझे माफ़ कर दिया, आपकी तो शादी की तैयारियां होने लगी, आपकी बीवी ने माफ़ कर दिया, आप फिर से अपना लाइफ स्टार्ट कर लोगे, फिर से 4-6 दिन रूठा मटकी वो सब होगा, फिर से आप लोग खुश हो जाओगे। लेकिन असल में किसी की लाइफ बर्बाद हुई है, किसी की ज़िंदगी ख़राब हुई है, तो उस लड़की की, नेहा की, वो समाज में कभी भी सर उठा के चल पाएगी? आप तो बेशरम लोग हैं, खैर आप तो चल पाएंगे, अभी तो चल भी रहे हैं, अभी तो सीना तान के सबसे लड़ने के लिए मुंह तोड़ जवाब देने के लिए खड़े हैं। यार किस मुंह से किसी को मुंह तोड़ जवाब देते हो आप, किस मुंह से? बहुत गुस्सा आया मुझे ये चीज़ें देखकर, कम्युनिटी 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 कम्युनिटी, वीडियो 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 वीडियो, क्या खेल क्या है ये, खेल क्या है ये? फिर से कम्युनिटी आ गया, फिर कुछ बड़ा बम फाड़ेंगे ये, जिस पे बीतती है ना उसको जाके पूछो। आप लोगों तो खैर शुरू से कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, आप लोग तो रही शुरू से कंट्रोवर्सी में ये पूरा परिवार, कभी किसी की मामा से, कभी किसी बहन बहन से। मेरे को यार लगता है चीज़ें देखकर, चलो हम भी सपोर्ट कर रहे थे, कोई बात नहीं मनीषा की वजह से कोई, लेकिन अब तो अति कर दी, अति बहुत ज़्यादा हो गई ये चीज़ें, अब नहीं रोकी गई तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। जैसे कि सुमित ने बोला था, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं बंद कर दो रिएक्शन चैनल, और देखो ये लोग बंद नहीं कर रहे, रिएक्शन चैनल वाले कैसे बंद कर देंगे यार? रिएक्शन चैनल वालों को बुरा लग रहा है, सब लोगों को बुरा लग रहा है, सब लोगों को ऐसा लग रहा है, लेकिन इन लोगों को कोई परवाह है ही नहीं कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। इनको तो पता नहीं इन्होंने कौन सा महारत जीत लिया, और इनका पूरा परिवार जानता था, पूरा परिवार जानता था, मनीषा जानती थी, सब लोग भी जानते थे। जैसे कि अभय भैया ने बताया, जब ये सगाई में से वापस आए थे तो इन भाई साहब ने मरने की कोशिश की थी, तो आंटी जी ने, इनकी बहन ने, आंटी ने, सब ने कॉल किया था कि प्लीज़ एक बार नेहा से बात करा दो ना सचिन की, प्लीज़ एक बार नेहा से बात करा दो ना सचिन की, पूरा परिवार जानता था। क्यों कराई उस वक्त आपको मनीषा की या किसी की याद नहीं आई थी, जब तो आप लोग सपोर्ट कर रहे थे बेटे की इक्सबाजी में, और आज भी कर रहे हैं, और ये चीज़ें करके ना आप उसको और गलत करने का बढ़ावा दे रहे हैं, उसको रोक नहीं रहे और बल्कि सपोर्ट कर रहे हैं, उसके साथ बोलने के लिए आ रहे हैं कि हाँ ऐसा वैसा वैसा वैसा, जिसको बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोला जा रहा, जिस भाई मतलब यार इतना हद कर दिया है इन लोगों ने, इतना ज़्यादा गंद मचा दिया है। जी लेने दो किसी को, किसी को सांस ले लेने दो, खुशियाँ आई हैं बंद कर दो, जो कुछ हमको जानना था जान लिया, जो आपने बताना था बता लिया, जितना किसी की धज्जियाँ उड़ानी थी खूब उड़ा ली ना, मन भर के उड़ा ली, बंद कर दो प्लीज। आपका कुछ नहीं गया क्योंकि आपके पास इज्जत थी ही नहीं, पैसे वालों के पास इज्जत नहीं होती, पैसे वालों के पास सिर्फ पैसा होता है, उनके पास इज्जत नहीं होती, उनको इज्जत से कोई लेना देना भी नहीं होता।
ठीक है ना। लेकिन जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली रहती है उसके पास सिर्फ इज्जत रहती है, सिर्फ इज्जत, जो कि सुमित महल के पास है। चाहे ना तो तिवारी फैमिली भी वीडियो पे वीडियो वीडियो पे वीडियो बना के वो भी बोल सकती है, चाहे कुछ भी बोले बोल सकती है, लेकिन फिर भी वो लोग अपनी गलती मानकर चुप बैठे हैं। ये इंसान तो गलती भी मानने को तैयार नहीं है कि हाँ हमसे कुछ ऐसा पाप हुआ है। सारा दोस्त सामने वाले को जैसे ये तो भैया जी कुछ जानते ही नहीं थे, जादू टोना टोटका सब इन पर ही करा दिया। वो भी फैमिली बोल सकती है कि हमारी बेटी पर करा दिया, हद है। बहुत बुरा लग रहा है यार मुझे देख के, कैसे ड्रामा खेलते हैं, ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रखा है इन लोगों ने, पागल समझ रखा है, अपने सारों पे नचाए जा रहे हैं। सो प्लीज़ बंद कर दो तमाशा, अब ना हमको अच्छा लग रहा और ना अब हम बर्दाश्त कर पाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, बातें बहुत सारी, अगली नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। नेहा का भी वीडियो आया था और बहुत चीज़ें बहुत दिन से काफ़ी बुरी लग रही थी, लेकिन हाँ मनीषा के लिए सिंपैथी था, आज भी है और रहेगा। लेकिन इसके चक्कर में हम किसी दूसरे को इग्नोर नहीं करते, जो गलत चीज़ है उसका सपोर्ट नहीं कर सकते। आपका क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।